फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने 3 दिन पहले हुई एथलीट की हत्या मामले को सुलझाते हुए मामले में मुख्य आरोपी सहित 3 को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि इनमें मुख्य आरोपी अजयनी सेक्टर 12 स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रैक्टिस करने वाले एथलीट प्रियांशु की चाकुओं से गोदकर उस समय हत्या कर दी थी जब वह प्रैक्टिस करके साइकिल से घर लौट रहा था। पुलिस के मुताबिक अजय और प्रियांशु दोनों ही सेक्टर 12 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग किया करती थी और वहां पर इनका किसी बात को लेकर विवाद हो गया जिस पर अजय ने प्रियांशु की हत्या का प्लान बनाया। इस प्लान में उसके साथी ने उसे चाकू ला कर दिया तो वही उसके भाई ने हत्या के बाद उस चाकू को ठिकाने लगाया। ये मंगलवार शाम की घटना है और जो प्रियांशु जो एथलीट है ये अपने प्रैक्टिस करके अपने घर जा रहा था संजय कॉलोनी। वो पीछे से जो दूसरा प्रैक्टिस करने वाला जो इसका एक साथी था जिनकी इनकी 3-4 दिन पहले झगड़ा हुआ था ट्रैक पे और एक दूसरे के ट्रैक में घुसने की वजह से, तो उसी रंजिश के चलते जो आरोपी अजय है उसने इसको साइकिल से, वो भी साइकिल पर जा रहा था और पीछे से वो भी साइकिल पर जाकर उसको टक्कर मार के गिरा कर चाकू से हमला करके उसके छाती पर उसके वार किया था जिससे कि फलस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई थी प्रियांशु की। इस मामले में थाना सेंट्रल में मुकदमा दर्ज किया गया था और इसकी क्राइम ब्रांच DLF तफ्तीश कर रहा था इसमें आरोपी को धरपकड़ में सफलता मिली जिसमें आरोपी अजय को सेक्टर 12 एरिया से अरेस्ट कर लिया गया और पूछताछ में पता लगा है कि जो इसका आरोपी अजय है झगड़े की वजह से इसने रंजिश मार ली थी और उसने उसको मार दिया, इसको चाकू ला के दिया था इसके दोस्त अभिषेक ने, तो उसको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और इसका जो ब्रदर है दीपक, ये इसने चाकू से खून साफ किया था और चाकू को छुपाया था। इस मामले में तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है, आरोपी पुलिस गिरफ्त में है और इनको जेल भेजा जाएगा। बता दी कि प्रियांशु की हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया था क्योंकि प्रियांशु बेहद शानदार एथलीट था और 200 से ज्यादा मेडल जीत चुका था। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और हत्या के आरोप में अजय, उसके भाई और दोस्त को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से चाकू रिकवर करने की कोशिश में जुटी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।